नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर पीटीआईएस एकेडमी के हमारे 38th सेशन में। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ चार बहुत अच्छे लेख पर बात करेंगे। हिंदू अखबार से हम लेकर हाजिर हैं और ये 30 जुलाई के हमारे एडिटोरियल्स होंगे। पहला होगा भारत और अमेरिका की बड़े सामरिक मुद्दों पर जो वार्तालाप हुआ है, एंटनी ब्लिंकन भारत आए हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भारत में कोविड वैक्सीनेशन में एडल्ट्स और चिल्ड्रन के बीच में वैक्सीन्स का बंटवारा कैसे हो। मानव तस्करी को लेके एक बहुत ही विस्तृत लेख सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की तरफ से, और फिर एक फैक्चुअल रिव्यू लेंगे कि क्या वाकई तालिबान जो है अफगानिस्तान में ग्राउंड गेन कर रहा है या सिर्फ हवा हवाई बातें हो रही हैं। दो एक्सपर्ट्स के व्यूज़ हम देखेंगे। सभी सिंसियर एस्पायरेंट्स के लिए हमने ये सीरीज़ बनाई है। सीरीज़ को आपका पूरा प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। 30 जुलाई का हिंदू आपके सामने है। जो चार लेख मैं लूंगा वो आपके समक्ष हैं। ये वाला लेख मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि पेगासस से मिलता जुलता हम अभी तक तीन लेख अच्छे डिटेल में ले चुके हैं। कुछ और एकदम नया आएगा तो मैं ज़रूर लूंगा। शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज का हमारा पहला एनालिसिस, सेशन 38 का एनालिसिस 1। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपनी अमेरिका की प्रायोरिटीज भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के जरिए स्पष्ट करवा दी हैं। यह आपको प्रीलिम्स GS 2-3 और ऐसे में काम आएगा। अमेरिका के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि विदेश मंत्री, वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं भारत में विदेश मंत्री बोलते हैं, वहां डिफेंस सेक्रेटरी बोलते हैं भारत में रक्षा मंत्री बोलते हैं। ठीक है भैया, सब कुछ हिंदी में भी एनालिसिस दे दिया है। सभी एडिट्स में हम आपको हिंदी एनालिसिस देते जा रहे हैं। अच्छे से पढ़िए और अपनी समझ को विकसित कीजिए। एंटनी ब्लिंकन भारत आए जुलाई में और बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने आके बात की। हालांकि चर्चाओं के अंत में कोई बहुत लंबी चौड़ी घोषणाएं तो नहीं हुई, डिलीवरेबल ज़्यादा नहीं थे। ये जो विजिट थी एंटनी ब्लिंकन की, दरअसल ये आगे चल के इस साल जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन का सम्मेलन होने वाला है उसकी एक तरह से कहें तो ग्राउंड लेवल की तैयारी भी थी। इसके अलावा दो और सम्मेलन भी होने वाले हैं इसी साल, जो 2+2 होगा, फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स का, भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और डिफेंस सेक्रेटरी। डिफेंस सेक्रेटरी भी भारत आके जा चुके हैं अमेरिका के, काफ़ी लंबे चौड़े व्यक्ति हैं। हाइट देखी उनकी आपने, क्या नाम है भाई साहब का बताइएगा। और क्वाड समिट, तो मतलब इस साल अभी तीन बड़े समिट और होने वाले हैं। तीन बड़े चीज़ों पर बात हुई। पहला था हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो क्वाड देशों का कोऑपरेशन होगा, दूसरा नेचुरली अफगानिस्तान जो अमेरिका छोड़ के भाग गया है, और तीसरा मानव अधिकार और लोकतंत्र की जो परिस्थिति दुनिया में भारत में है उसके ऊपर। जहां तक पहला मुद्दा है, क्वाड देशों का जो कोऑपरेशन की बात है जिसमें इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, तो भारत और अमेरिका के विचारों में पूर्ण रूप से अभिसरण देखने में था। देयर वॉज अ फुल कन्वर्जेंस, पूरी तरह से एकमत थे, आपसी समझ बहुत अच्छी थी। जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, कुछ मुद्दों पर भारत और अमेरिका बिल्कुल भी एग्रीड नहीं है और कुछ मुद्दों पर एग्रीड हैं। जिस एक बड़ी चीज पर दोनों देश पूरी तरह से सहमत हैं वो ये कि अगर तालिबान ने जबरदस्ती और हिंसा का सहारा लेके अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो फिर हम उसे बिल्कुल भी मान्यता नहीं देंगे और दुनिया में उसको कहीं भी मान्यता नहीं मिले ये सुनिश्चित करेंगे। विद इन ब्रैकेट, सबसे बड़ा डाइवर्जेंस भारत और अमेरिका के बीच इस चीज को लेके है कि भारत मनी मन ये कहता है कि अमेरिका तालिबान को लगातार इंगेज कर रहा है चर्चाओं में, जबकि तालिबान तो हिंसा का दामन छोड़ ही नहीं रहा है, और अमेरिका ने पाकिस्तान को तालिबान को लगातार शरण देने की सजा तो अभी तक सुनाई ही नहीं, और पाकिस्तान को एक तरह से क्लीन चिट मिली हुई है, तो ऐसे कैसे चलेगा। एक नया क्वाड अमेरिका ने बनाया है, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का, जो उस क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए है। भारत उसको लेके सामान्यतः थोड़ा सा चुप है, भारत ज्यादा अभी कुछ कह नहीं रहा है। मानव स्वतंत्रताओं और मानव अधिकारों को लेकर अमेरिका और भारत दोनों एक चीज पर सहमत हैं, और वो एक चीज है शेयर्ड वैल्यूज, यानी हमारी आपस के कुछ मूल्य हैं जो कॉमन हैं। लेकिन एंटनी ब्लिंकन ने एक काम जरूर किया, भारत आकर उन्होंने सिविल सोसाइटी के बहुत सारे प्रतिनिधियों के साथ लंबी चौड़ी मीटिंग की, जिसमें उन्होंने भारत के अल्पसंख्यकों को क्या सही अधिकार मिले हुए हैं या नहीं, भारत में क्या धार्मिक स्वतंत्रताएं सही ढंग से हैं या नहीं, मीडिया के ऊपर कहीं बहुत प्रतिबंध तो नहीं है, और जो लोग सरकार का विरोध इत्यादि करते हैं क्या उन लोगों को
सही तरीके से समर्थन मिलता है या नहीं, या उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित तो नहीं किया जाता है, इन सब चीज़ों पर चर्चा की। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन सभी चीज़ों का काफ़ी विस्तार पूर्वक और पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, और इसके लिए जो अंग्रेजी में शब्द है वो है बैकस्लाइड। बैकस्लाइड का मतलब होता है कि भैया भारत की डेमोक्रेसी जो है पीछे खसकती जा रही है, मूल्यों से हटती जा रही है। जयशंकर का कहना है कि देखिए भारत कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, सब यहाँ पर एकदम बढ़िया चल रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ भी किया, हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कुछ नया लाया, अनुच्छेद 370 का लगभग निरसन कर दिया, और हमने धर्मांतरण के बड़े कड़े कानून बना दिए। ये तो हम ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का काम कर रहे हैं, हम कोई नई गलतियां थोड़ी कर रहे हैं। भारत और अमेरिका भविष्य में अपनी व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी, इस पे काम कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये जो मुद्दे हैं ह्यूमन राइट्स के, माइनॉरिटी राइट्स के, डिसेंट कर्विंग के, आने वाले समय में मुद्दे कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत देंगे, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों को लेकर काफ़ी क्लियर और सख्त दिखाई दे रहा है। क्या सीखा आपने, हमें बताएं कमेंट थ्रेड में। इस पर आपकी कोई राय हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। द अमेरिका इंडिया रिलेशनशिप इन द बाइडेन पीरियड विल बी डिफाइंड बाय बाइडेन्स क्लियर प्रायोरिटीज एज एविडेंस इन सेक्रेटरी ब्लिंकन्स मेडन विजिट टू इंडिया। प्यारे साथियों, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक हमारी 23 अगस्त से आने वाली बैच के बारे में जानकारी नहीं ली, आज के आज ले लीजिए। जैसे ही आप एनरोल करेंगे, आपको हमारे कुछ सर्विसेज पहले दिन से आज से ही शुरू हो जाएंगी, और बाकी कोर्स तो खैर शुरू होने ही वाला है, और बहुत मज़ा आएगा आपको। थैंक यू सो मच एंड गो अहेड एंड एनरोल विथ फुल कॉन्फिडेंस, वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम इन दिस कोर्स। आज का दूसरा एडिटोरियल तैयार है, वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी। तो भारत की जो टीकाकरण की नीति है, उसमें अभी हम यंग लोगों को पहले टीके लगाएं या वयस्कों को टीके लगाएं, इन चीज़ों को लेके अभी एक नया पशुपेश की स्थिति पैदा हो गई है। अच्छा लेख है, टेक्निकल लेख है, आई होप आपको कुछ इसमें वैल्यू एडिशन मिलेगा। प्यारे साथियों, हिंदू का एडिटर कहता है कि भारत अपने कोविड के टीकाकरण कार्यक्रम में फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और उसमें कभी कभी अचानक से बहुत भयंकर बर्स्ट आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्स्ट नाम दिया है, मतलब प्रशासनिक रूप से उसको कभी कभी बहुत भयंकर एक जोर लगा दिया जाता है, लेकिन उसके अलावा उसकी गति जो है वो एक साधारण गति उसकी बनी हुई है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए। अब सरकार ये बोल रही है कि हम छोटे उम्र के बच्चों को भी टीका लगवाना शुरू करेंगे, या तो हम ये जायकोव डी की मदद से करेंगे जो कि जाइडस कैडिला का 3 डोज प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन होगा, या ये भारत का अपना भारत बायोटेक का कोवैक्सीन होगा। वैसे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज की तारीख में कोवैक्सीन की यूरोप और अमेरिका में क्या स्थिति है, अप्रूवल मिल गया है या नहीं, बताइए दोस्तों। इन वैक्सीनों का जो अभी बच्चों के ऊपर एक टेस्टिंग होना है वो चल रहा है, अलग अलग स्तर पर पीयर रिव्यूड अलग अलग रिजल्ट्स दिखाए जा रहे हैं। तीसरा है फाइजर का मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। 12 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में, अधिक आयु के बच्चों में फाइजर का एमआरएनए वैक्सीन ऑलरेडी ऑथोराइज्ड है, अमेरिका की बात हो रही है, और जहां तक मॉडर्ना का सवाल है, उसका वैक्सीन भी बहुत जल्दी वहां पर ऑथोराइज हो जाएगा। ये दोनों ही भारत सरकार के साथ बातचीत में लगे हुए हैं अपने वैक्सीन को भारत में उतारने के लिए, लेकिन अभी तक क्लियर कट उनको परमिशन मिला नहीं है। बहुत सारे ऐसे लायबिलिटी के क्लॉजेस हैं जिनको लेके गाड़ी जो है अटकी पड़ी है। यंग बच्चे जो हैं प्यारे दोस्तों, उनको कोविड में वैसे भी दे आर लीस्ट एट रिस्क, हॉस्पिटलाइजेशन की बात हो या मृत्यु की बात हो, यंग बच्चों में कोविड 19 के जो जोखिम है, जो खतरे हैं, वो सबसे कम हैं। लेकिन उनमें इन्फेक्शन तो कैरी हो ही सकता है, और वो जो एल्डर्स हैं, एडल्ट्स हैं, उनको जोखिम में डाल ही सकते हैं, ये तो बायोलॉजिकल फैक्ट है। इस वजह से भारत के हजारों हजारों स्कूलों के रीओपनिंग के डिसीजंस जो हैं वो सारे अटके पड़े हुए हैं, और करोड़ों बच्चे अब ऑलमोस्ट 18 महीने होने आ गए, अपनी शिक्षा से पूरी तरह से वंचित हैं, जिसकी लॉन्ग रन में बहुत बड़ी कीमत हम चुकाएंगे। तो वैश्विक रूल क्या है? वैश्विक रूल पिछले 18 महीने में धीरे 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 अलग अलग देशों ने एक्सपेरिमेंट करके एक चीज़ सीख ली कि यदि एक प्रभावी वैक्सीन मौजूद है तो सभी उम्र के लोगों को वो वैक्सीन फटाफट लगा दो।
लेकिन एक बात और है कि वैक्सीन्स प्रोटेक्ट बेटर फ्रॉम डिजीजेस रादर देन इन्फेक्शंस. संक्रमणों के बजाय वैक्सीन्स बीमारियों से बेहतर प्रोटेक्शन देती हैं. और किसी को भी ये पता नहीं है कि अगर हमने बच्चों को प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन किया तो क्या वो वाकई स्कूलों को खोलने की एक पूर्व शर्त होगी, मतलब इन्फेक्शन केसेस को कम करने के लिए और इन्फेक्शन के रेट को कम करने के लिए. क्योंकि सच्चाई, और बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि जो देश 12 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगा रहे हैं, ये वो देश हैं जहां पहले से ही वयस्कों की टीकाकरण की दर काफ़ी अच्छी हो चुकी है. लेकिन भारत में तो औसतन अभी केवल 10% एडल्ट्स का फुल वैक्सीनेशन हुआ है, 90% एडल्ट्स बचे हुए हैं जिन्हें 31 दिसंबर के पहले हमें करना है, और भारत में कुल एडल्ट लगभग 94 करोड़ हैं. तो ये चुनौती तो बहुत बड़ी है. और कोवैक्सीन वालों ने जो पहले वादा किया था कि हर महीने में हम आपको फटाफट अब 6 करोड़ डोजेस देना शुरू करेंगे, वो वादा कोवैक्सीन पूरा कर नहीं पा रहा, जिस वजह से कैलकुलेशन गड़बड़ हो गए हैं. तो यदि हमारा सार्वभौमिक टीकाकरण का लक्ष्य ये है कि हमें बीमारियों से बचाना है, तो हमें प्रायोरिटी पे भारत के वयस्कों को वैक्सीन देनी पड़ेगी, बच्चों को नहीं. तो हम स्कूलों को तो अब स्टैगर्ड तरीके से, मतलब कुछ क्षेत्र में कुछ स्कूल खुल गए, कुछ क्लासेस खुल गई, कुछ क्लासेस अल्टरनेट डे खुल गई, ऐसा करके स्कूलों को ओपन कर दें और उसको हम किसी भी तरह टीकाकरण के साथ में लिंक बिल्कुल ना करें. हमें हमारे बच्चों को प्राथमिकता देनी होगी, और बच्चों को प्राथमिकता स्कूली शिक्षा में देनी है. उनको अगर हमने वैक्सीनेशन में भी प्राथमिकता दे दी तो डोजेस नहीं होने की सजा एडल्ट्स को बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगी. आपको समझ में आ गया? पश्चिम का मॉडल इस एक चीज में भारत को अब कॉपी करने का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पश्चिम में अगर बच्चों को टीके लग रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि वहां पर एडल्ट्स की बहुत बड़ी प्रतिशत आबादी को टीके लग चुके हैं, जबकि भारत में वो सिर्फ 10% है. आप समझ गए ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल लॉजिक था, इसलिए मैंने आराम से धीरे धीरे समझाया. और भारत में पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन जो है वो फिर से एक मुद्दा तो बन गया है. तो ये प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे आप देख रहे हैं, कर्णधार हैं, और ये भारत का भविष्य गढ़ेंगे. द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आर क्रिटिकल फॉर इंडियाज वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड द डिसीजन टू वैक्सीनेट द यंग बिफोर द अडल्ट्स में है फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस. आज का हमारा तीसरा लेख जो है भारत का मानव तस्करी का बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर है. बहुत खूबसूरत लेख लिखा है, दो ऑथर्स हैं इसके, जिसमें से मदन बी लोकुर साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं. आइए पढ़ना शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों, इसको देखते हैं एग्जैक्टली इसमें क्या कहा गया है. द लॉन्ग रोड टू विनिंग द बैटल अगेंस्ट ट्रैफिकिंग. प्यारे दोस्तों, प्रीलिम्स GS 2-3 और ऐसे में ये काफ़ी काम आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ें. वैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर हमने अभी तक आपके साथ कुछ लेख पहले करवा लिए हैं, और उन लेखों पर हमने काफ़ी विस्तार में चर्चा भी आपके साथ की थी. काफ़ी डिटेल में हमने देखा था ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला मुद्दा. तो टॉपिक को हमने नए कानून जो आ रहे हैं उसके लिमिटेशंस के कंटेक्स्ट में भी आपके साथ एक बार चर्चा तो कर ली थी, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें थोड़ा सा एक अलग फ्लेवर आपको इसमें दिखाई देगा प्यारे दोस्तों. और इस अलग फ्लेवर के लिए ही हमने ये पूरा का पूरा लेख आपके लिए तैयार कर ही लिया. हो जाएं शुरू, काफ़ी कुछ है पढ़ने का. एग्जाम में ये बिल्कुल ऐसे कैसे काम आएगा ध्यान रखना, और मैं केवल वही लेख ले रहा हूँ जो आपको परीक्षा में काम आए. ठीक है भैया, तीस जुलाई जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस होता है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस होता है. ये समय है कि भारत बहुत गहन चिंतन 30 जुलाई को करे. भारत के जितने भी एनजीओ के अलग अलग रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं और भारत सरकार की आधिकारिक डेटा जो मिल रही है उससे पता चलता है कि इस आपदा का जो पूरा पैमाना है वो काफ़ी बड़ा है, और लाखों बच्चों जो हैं वो लगातार चाइल्ड हेल्पलाइन पर फ़ोन करते रहते हैं, चाइल्ड लाइन इंडिया. पुलिस और सरकार कोशिश करके हजारों बच्चों को छुड़वा भी लेती है, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरे वाली स्थिति है. प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है. अब एक बहुत ही इसका भीषण और काला पहलू सामने आने लगा है. भारत के हजारों हजारों फैक्ट्री ओनर्स, छोटी 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 फैक्ट्रियों के मालिक, पैंडमिक ने जिनके धंधे को तबाह कर दिया, वो अब बहुत छोटे छोटे बच्चे 12 12 13 13 साल के, उनको बड़ी दर्दनाक कंडीशंस में काम पे लगा रहे हैं, क्योंकि उनको सैलरी बहुत कम देनी पड़ती है. और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा करके हम प्रोडक्शन बढ़ा के लेबर कॉस्ट को कम करके अच्छा खासा प्रॉफिट कुछ समय में कमा सकते हैं. तो ये तो बहुत ही घातक परिस्थिति है. ऐसी परिस्थितियों में काम करने वाले बच्चों को प्रातः
या ये मान लें कि प्रायः रोजाना ही बहुत बुरी तरह से मारा पीटा भी जाता है, बहुत कॉमन है दोस्तों ये। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में बाल विवाह के मामले बहुत तेजी से बढ़ गए हैं और स्थानीय पुलिस के द्वारा और स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोशिश करने के बावजूद माता पिता चुपचाप लड़कियों की शादी करके निकल रहे हैं। कोविड की इस महामारी ने गरीब परिवारों पर दो तरह से मार मारी है। पहली मार ये है कि या तो घर के बड़े कोई एक या दो या तीन बीमार पड़ गए या मौत हो गई या बिछड़ गए, और बच्चे जो हैं अब वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं, यानी शोषण के लिए एकदम भेद्य हो गए हैं। और दूसरा असर क्या डाला कि परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी बच्चों का ध्यान लेने की, वो बहुत बुरी तरह से गिर गई है। पहले जब स्कूल चालू रहते थे तो उसके दो लाभ होते थे, तीन लाभ, बच्चे की पढ़ाई चलती रहती थी, बच्चे को मिड डे मील्स मिलते रहते थे तो पोषण जारी था, और बच्चे की परिस्थिति पे जो टीचर हैं वो नज़र रख सकते थे। अब ये सब बंद हो गया स्कूलों के बंद होने से। सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप की मदद से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गैंग छोटे छोटे जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं और उन्हें ललचा रहे हैं नई नई नौकरियों का वादा करके। और जैसे ही ये बच्चे या बच्चियां अपने क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, अब एक नए क्षेत्र में जाने के बाद तो आप पूरी तरह दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, खाने के लिए, भाषा के लिए, और आपके साथ फिर वॉयलेंस भी बहुत होता है। बच्चों को नए शहर में जाके पता ही नहीं होता किससे संपर्क करें मदद के लिए, और बच्चे समय के साथ ये समझ जाते हैं कि पुलिस से तो दूर रहने में ही भलाई है, कि क्या घातक बात लिखी गई है आर्टिकल में, देखिए आप। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने ये बताया कि पैंडेमिक से जो नौकरियों का बहुत व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ है, ये ह्यूमन ट्रैफिकर्स दुनिया भर में, भारत में भी इसका पूरा लाभ ले रहे हैं। और एक और चीज़ पैंडेमिक से हुई कि लोग पहले दिन में अगर एक घंटा इंटरनेट पर रहते थे तो अब 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे इंटरनेट पर रहते हैं, तो उनको वहाँ पर एक्सप्लॉइट करना उतना ही आसान होता चला जा रहा है। सरकार कहती है कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है पूरे भारत भर में जो साइबर ट्रैफिकिंग हो रही है उसका, लेकिन गृह मंत्रालय ने, MHA ने नई नई स्कीम चालू की है इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए। अमेरिका ने भारत का जो वर्गीकरण किया है एज फार एज ग्लोबल ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उसमें टियर 2, टियर का मतलब होता है स्तर, टियर इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, स्तर, एक दूसरे स्तर का देश बताया है। इसका मतलब यह है कि भारत को अभी ट्रैफिकिंग खत्म करने में काफ़ी एफर्ट लगेगा। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, मानव तस्करी रोधी इकाइयाँ, ASTU, ये जो होती हैं बड़ी विशेषीकृत जिला स्तरीय कार्यबल होते हैं जिसमें पुलिस और सरकारी अधिकारी दोनों होते हैं और उनका एक ही काम होता है। 2010 में टारगेट सेट किया था कि पूरे भारत में 330 ASTU बनेंगे, लेकिन अभी 2021 की परिस्थिति जो ऑथर बताते हैं कि 225 काम कर रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर जो है पेपर पे, फंडिंग है नहीं, स्टाफ है नहीं। अगर ये अवेलेबल करा दिया जाए तो ये लोग ज़मीनी स्तर से ऐसे ऐसे आंकड़े हमको ट्रैफिकिंग के दे सकते हैं जिससे सभी स्थानीय समुदाय अपनी अपनी निगरानी बहुत अच्छे से कर पाएं, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। पार्लियामेंट में सरकार एक नया मसौदा, प्रस्ताव पूरा का पूरा विधेयक का लेकर आई है, एंटी ट्रैफिकिंग बिल। वो फिर से एक रिमाइंडर है कि हमारे यहाँ नियम बहुत बन रहे हैं, कानून बहुत बन रहे हैं, बस एक चीज़ जो नहीं हो रही है वो ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो हमें एक तो इस बात पे सवाल उठाना है, ये दोनों के दोनों ऑथर कहते हैं, कि क्या वाकई में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ में ट्रैफिकिंग के केसेस देना उचित होगा, और दूसरा कि क्या वाकई सजाए मौत का प्रावधान इसमें ज़रूरी है। तो उसमें जस्टिस लोकुर कहते हैं कि भाई डेथ पेनल्टी डज नॉट रियली डेटर क्रिमिनल्स इन इंडिया। इनफैक्ट दुनिया भर की रिसर्च बताती है कि सजाए मौत के प्रावधान से उस विशिष्ट प्रकार के अपराध रुक जाएंगे ऐसा मानना शायद बहुत उचित नहीं होगा। और अगर आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं और पॉलिटिकल विल टू इम्प्लीमेंट नहीं है तो उससे तो बेहतर है कि लेजिस्लेशन ना किया जाए। इस बिल में ये लिखा गया है कि भैया जो भी ट्रैफिकर को पुलिस पकड़ेगी, ही विल बी प्रिज्यूम्ड गिल्टी अनलेस दे प्रूव अदरवाइज। समझ में आया आपको? तो जो मानव तस्करी में धरा जाएगा उसको मान लिया जाएगा वो अपराधी है, अब वो साबित करेगी वो अपराधी नहीं है। नॉर्मली क्रिमिनल लॉ में उल्टा होता है, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन 2019 में क्या हुआ, केवल 38 लोगों को कानून से सजा मिली और 140 लोग छूट गए। तो जजेस और प्रोसिक्यूटर्स दोनों के लिए संसाधनों की कमी काफ़ी बड़ी समस्या है।
फास्ट ट्रैक कोर्स को सच्चे अर्थों में फास्ट ट्रैक बनाने के लिए केस मैनेजमेंट का कंप्यूटराइजेशन होना, स्पीड होना जरूरी है। नहीं तो केसेस अगर 3, 4, 5, 6, 7 साल चलते हैं तो जो शिकार होते हैं बच्चे गरीब घरों के, वो शिकायतें वापस ले लेते हैं। वो कहाँ बार बार ट्रैवल करके जाएंगे, वो कहाँ बार बार जाकर इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग से उलझेंगे, तो लोग अपनी शिकायतें ही वापस ले लेते हैं। साथ ही साथ सरकार ने जो मॉनेटरी कंपनसेशन के कानून बना रखे हैं, बहुत कम बच्चों को और परिवारों को सच्चे अर्थों में वो मिल पाता है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो बहुत ज़रूरी होती है बच्चों की, वो भी पूरी तरह से अभी तो नहीं मिल रही है। आज की स्थिति क्या है दोस्तों, बड़ी भयानक बात लिखी है कि पैंडेमिक कब खत्म होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। स्कूल तो बंद ही हैं, तो समाज में सामान्य परिस्थिति कब लौट कर आएगी ये तो किसी को पता ही नहीं है। तो ट्रैफिकिंग का क्या होगा, ये तो बात सही है कि बढ़ती हुई ट्रैफिकिंग एकदम से तो रुकेगी नहीं, तो बहुत ही ठोस अब कदम की आवश्यकता है। और 30 जुलाई का समय भारत के लिए एक मील का पत्थर हो सकता है अगर सभी कमर कस के तैयारी कर लें कि भैया इस समस्या को खत्म करना ही करना है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज अ वास्ट लेबिरिंथ ऑफ फेलियर एट मल्टीपल लेवल्स एंड अनलेस रिसोर्सेज आर अपग्रेडेड रैपिडली एंड प्रॉपर लीगल रेमेडीज आर मेड अवेलेबल विद डीप थॉट थिंग्स वोंट चेंज। काफी गंभीर बात है दोस्तों। चौथा और अंतिम लेख जो है आज थोड़ा अलग फ्लेवर का है। आप जानते हैं ये दो लोगों के इंटरव्यू उसमें छपे हैं, एक हैं श्रीमान जयंत प्रसाद जी और दूसरे हैं श्रीमान डॉक्टर अविनाश पालीवाल। दोनों अफगानिस्तान के मामलों से काफ़ी जुड़े हुए हैं। ये GS 2-4 ऐसे प्रीलिम्स सभी में आपको बहुत काम आएगा। तो क्या चल रहा है अफगानिस्तान में, हमें जयंत प्रसाद बताएंगे। आइए समझते हैं इनका क्या पर्सपेक्टिव है। वो कहते हैं कि देखिए, तालिबान ने अफगानिस्तान में कुछ ना कुछ विजय नॉर्थ और वेस्ट में हासिल की है, बॉर्डर रीजन्स में ईरान और कुछ दूसरे स्थानों के साथ हासिल की है, लेकिन इस पे से ये निष्कर्ष निकालना कि तालिबान किसी भी दिन अब काबुल में घुस जाएंगे, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। एक नए चीफ के साथ अफगान सुरक्षा सेनाओं में एक नया जोश आया है और वो तालिबान के लिए नाको चने चबाने वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं। यदि सरकार किसी भी तरह तालिबान को जनवरी 2020 तक रोक दे शहरों पर कब्जा करने से, पूरा खेल बदल जाएगा और तालिबान चुपचाप शांति वार्ता का गाना गाते हुए आके बैठ जाएगा। भारत का शॉर्ट टर्म गोल फुलफिल होता है यदि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बने जो अपने डिसीजंस खुद ले सके, दोस्त कौन होगा दुश्मन कौन होगा, क्योंकि इतने सालों में अफगान सरकार ने निर्णय नहीं लिए हैं। अफगान सरकार के साथ जो दूसरे देशों की जो अलग अलग सेनाएं घुसी पड़ी हैं, 44 आर्म्ड फोर्सेस घुसे हुए थे 2010 तक, ये डिसीजन वो लोग ले रहे थे। जयंत प्रसाद जी कहते हैं कि मैं आपको एक चीज बता दूं, अफगान लोग कभी किसी के सामने घुटने टेकने वाले नहीं हैं, और इसमें पाकिस्तान भी शामिल कर लो। अफगान की जो टीम जो दोहा जाके बातचीत कर रही है अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में तालिबानियों से दोहा में मिले कतर में, तो वहाँ के तालिबानियों ने गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ली। जो दोहा में तालिबानी बैठे थे मुल्ला बरादर और सुहेल शाहीन जैसे, वो लोग गुड कॉप थे, शांति होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और जो तालिबान पीछे छूट गया है अफगानिस्तान में, वो बैड कॉप है, वो रोज़ लोगों को मारे ही जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। भारत को उन अफगान लोगों को समर्थन देना है जो अपने अधिकारों के लिए, स्वतंत्रता के लिए, संविधान के लिए, संप्रभुता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तालिबान और अफगान जो हैं, आपस में बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन ढाक के तीन पात वाली परिस्थिति अभी भी बनी हुई है। अफगानिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है और वहाँ की ज़्यादातर जनता उसको इस्लामिक एमिरेट नहीं बनने देना चाहती है, तो वो एक इस्लामिक गणतंत्र है, इस्लामिक अमीरात नहीं बनना देना चाहते हैं। तो क्या एक दिन ऐसा आएगा कि तालिबानी वाकई में लोकतांत्रिक चुनावों के लिए तैयार होंगे? सभी अफगान शांति चाहते हैं, क्योंकि 40 सालों के युद्ध और अस्थिरता ने सबकी कमर तोड़ रखी है। डॉक्टर अविनाश पालीवाल कहते हैं कि जिस पद्धति से वहां वॉर कंडक्ट हुआ पिछले 20 सालों में, उसने दोहा वार्ता पर काफी गहरा असर डाला है। अमेरिका की सेनाएं और पश्चिम की सेनाएं और नाटो की सेनाएं पिछले 20 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वॉर लड़ रही हैं कि अफगानिस्तान को पूरा रिबूट करना है और एक नया का नया पूरा अफगान स्टेट ठोस आधार पर खड़े करके देना है। तो गोल क्या था, काउंटर टेररिज्म था या राष्ट्र निर्माण था, ये किसी को पता ही नहीं है अभी तक। तो फिर परिणाम वही हुआ जो होना था।
2012 में जब प्रेसिडेंट हामिद करजई का कार्यकाल चल रहा था, अमेरिका 2012 से ही तालिबान से बात करना चाहता था, लेकिन उस वक्त राष्ट्रपति करजई ने उसे रोका था ये कह के कि 2001 से आपने युद्ध शुरू किया और आप इतनी जल्दी घुटने टेक के जाना चाहते हैं तो इसमें तो सबकी पराजय हो जाएगी। फिर 2017-18 में राष्ट्रपति ट्रंप आए और एक बहुत तगड़ा चाइना उनके सामने था। धीरे धीरे अफगानिस्तान की प्रायोरिटी खत्म होती चली गई। तो अमेरिका आज बस खुद को किसी तरह वहां से निकालना चाहता है और जाने से पहले तालिबान को थोड़ी बहुत वैधानिकता दे के जाना चाहता है कि दुनिया की बाकी शक्तियां तालिबान से बातचीत तो करें। भारत को मजबूरी में तालिबान से बातचीत शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कल तालिबान के हाथ में आधी या पूरी ताकत आई तो भारत के सारे हित सुरक्षित तभी रह पाएंगे। एक मजबूत तालिबान पाकिस्तान और आईएसआई के घुटने के सामने घुटने नहीं टेकेगा, ये बात तो आप बिल्कुल पक्की मान लीजिए। 96 से 99 तक तालिबान ने भारत को कई बार सिग्नल भेजा कि मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि उसको एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन चाहिए था। उस वक्त केवल सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान ने दिया था, लेकिन भारत ने उसको तब घास नहीं डाली थी। पाकिस्तान ने तालिबानियों को अब ये बताया है कि भाई भारत पहले जितना यहाँ पे मौजूद था अफगानिस्तान में, आप इन्हें उतना मत रहने दो। तो तालिबान को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान की सुने या भारत के साथ अब बात करते हुए आगे बढ़े। अल्टीमेटली पाकिस्तान को स्वयं भी एक बात समझनी होगी कि अगर हिंसा चलती रही और पीस नहीं आई तो लाखों लाखों अफगान लोग जान बचा के पाकिस्तान के अंदर ही भाग आएंगे, और इसलिए इसमें पाकिस्तान का भी हित नहीं है। आई होप आपको मज़ा आया हमने ये जो एडिट लिया। फॉर अफगानिस्तान नथिंग इज गोइंग टू बी ईजी, नॉट इवन द रोड अहेड फॉर द तालिबानीज। इंडिया कैन स्टिल प्ले अ स्मार्ट गेम एंड प्रोटेक्ट हर इंटरेस्ट देयर। प्यारे दोस्तों, भारत भर में जजों पे हमलों की खबरें आ रही हैं। ये एक जो केस हुआ था प्यारे दोस्तों, धनबाद झारखंड में एक ऑटो रिक्शा ने सुबह सुबह एक जज को उड़ा दिया। वो जज साहब दो बहुत बड़े मर्डर के केस और कोयले के घोटाले का एक हालिया मामला उसकी सुनवाई कर रहे थे, उनको जान से उड़ा दिया, मार दिया। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ हो गया है और सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ते ही अब स्क्रू टाइट होने शुरू हो गए। इसी बीच आज भारत के एक दूसरे हिस्से से एक और जज के ऊपर हमले की खबर आ रही है। भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजेस अलग अलग भाषाओं में इंजीनियरिंग के कोर्सेस लॉन्च कर रहे हैं। सरकार का ऐसा मानना है कि स्थानीय भाषा में इंजीनियरिंग कराने से बड़े सुदृढ़ ग्लोबल क्वालिटी के इंजीनियर भारत में पैदा होंगे। बधाई हो। हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा है कि कुछ इकोनॉमी के हमारे हिस्सों में के शेप रिकवरी हो रही है और बाकी के कुछ हिस्सों में हालत अभी ख़राब है। और उसके अलावा उन्होंने आशा बंधाते हुए कहा है कि कुछ महीने में स्थितियाँ जो हैं ठीक होंगी, हालांकि अर्बन पुअर हैव बिन हिट हार्डर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस हुआ है, मेंटल हेल्थ का केस है प्यारे दोस्तों ये, जब सिमोन बाइल्स जो हैं अमेरिका की बहुत बड़ी जिमनास्ट, उन्होंने एक चलती हुई कॉम्पिटिशन में से खुद को बाहर निकाल लिया ये कहते हुए कि मेरे कुछ मेंटल इश्यूज बहुत भयंकर हैं और ये यहाँ के टॉप जिमनास्ट हैं। तो उसको लेके उन पे आरोप लगा कि तुम गद्दार हो, धोखेबाज, और कई लोगों ने उनका साथ भी दिया। तो मेंटल हेल्थ का ये बहुत बड़ा केस है। फाइनली ऑल इंडिया कोटा में मेडिकल और डेंटल सीट में लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ ओबीसी का 27% कोटा सैंक्शन हो गया है। पीछे पीछे 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी कोटा आ गया, जो एक्चुअली अभी सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला 10% ईडब्ल्यूएस का जो है अंडर हियरिंग है। लोकसभा में बिल बिना किसी डिबेट के पारित होते चले जा रहे हैं। 2012 की याद आ गई मुझे, तब भी बिल्कुल ऐसी की ऐसी हालत थी। ऑपोजिशन लगातार चलने देता नहीं था और सरकार को मजबूरी में कानून बनाने पड़ते थे। हमारे साथ जरूर कोर्स में जुड़िएगा दोस्तों, आपको मजा आएगा। आज के लिए केवल इतना। कैसा लगा सेशन बताइए, सवालों के जवाब दीजिए, आपकी राय रखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द सेशन 39 के साथ आपसे फिर रूबरू भेंट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।